अगर विराट को लगता है कि गुजिया में कुछ मिलाया था और अश्विनी वहनी कह रही है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, तो ये शरारत मिस्चीफ शैतानी किसने की होगी? सभी को पता है कि कांड किसने किया है। ये करतूत उसी जंगली मुर्गी की होगी। काकू ठीक कह रही है। गुजिया में वो स्पेशल पुड़िया मैंने ही मिलाई थी। और फिर मैंने वो गुजिया आई को दे दी थी विराट सर को खिलाने के लिए। आई को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे स्पेशल पुड़िया खिलाने के लिए तुमने आई का इस्तेमाल किया, मेरी आई का इस्तेमाल किया तुमने। इतना गिर जाओगी मैंने कभी सोचा नहीं था। सही, तुम अपनी चालबाजी के लिए मेरी भावनाओं के साथ खेल रहे हो। तुम मुझे बेवकूफ बनाया। मुझे सच में ऐसा लगा था कि तुम चाहती हो कि मैं मेरे बेटे को गुजिया खिलाऊं, उसका मुंह मीठा करूं। मुझे ये नहीं पता था कि तुम सबके सामने मुझे नीचा दिखाओगी। ए जंगली मुर्गी, कैसी लड़की है तू? अश्विनी को तू आई बोलती है और तेरे आई का तूने ऐसे इस्तेमाल कर लिया, उसे नीचा दिखा दिया। इस चालाक लड़की से और उम्मीद भी क्या की जा सकती बड़ी मामी। इसी वजह से मैं विराट को सही से दूर रखना चाहती थी ताकि ये सब तमाशा ना हो। लेकिन ये लड़की अपनी हरकतों से बास कहां आती है? शेर अगर घास खाने के ऊपर लेक्चर देने लगेगा ना तो वो कभी अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ही आपके मुंह से ये बातें कभी अच्छी नहीं लगेंगी बाकी दीदी, क्योंकि यही हरकत आप मेरे साथ करना चाहती थी। आपने मुझे वो स्पेशल ठंडाई पिलाने की कोशिश की थी, प्लान बनाया था, क्योंकि आप चाहती थी कि मुझे होश नहीं रहेगा और फिर मैं खुद का तमाशा बना दूंगी। लेकिन हर बार की तरह आपका ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। और मैंने वो गुजिया में स्पेशल पुड़िया इसलिए मिलाई थी ताकि उसे खाकर विराट सर थोड़े रिलैक्स हो जाए, उनका मूड लाइट हो जाए, घर वालों के साथ होली मना पाए। और आप लोग अपने दिल पर हाथ रख के कहिए कि विराट सर को ऐसे हंसता गाता नाचता देखकर आप लोगों को खुशी नहीं हुई? वो ऐसे बिना गुस्से के बिना नाराजगी से आपसे बात कर रहे थे, क्या आप लोगों को अच्छा नहीं लगा? क्या आप लोग खुश नहीं हुए कि हर साल की तरह इस साल भी विराट सर होली के जश्न में सबके साथ थे, हंसते मुस्कुराते, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी। मैं सही वहनी की बात से 100% अग्री करता हूँ। दादा को खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अगर दादा होली खेलने नीचे आते ही नहीं तो इस साल की होली होली लगती नहीं, एकदम बेरंग और फीकी लगती। और वैसे भी इस साल की होली तो एकदम बेस्ट रही, क्योंकि जीवा और शिवा की जोड़ी जो एक हो गई। अरे दोनों ने मिलकर क्या रंग जमाया, एकदम मैजिक क्रिएट कर दिया। और मैंने सई को मेरे भाई के साथ ये खूबसूरत पल देने के लिए थैंक यू भी कहा था। और मैं एक बार फिर से आप सबके सामने उसे कहना चाहता हूं, थैंक यू सई। सम्राट, तुम होश में तो हो? तुम इस कल्प्रेट का साथ दे रहे हो? पत्र लेखा, सई विराट की पत्नी है और विराट के लिए उसने जो कुछ किया है ना, हम में से कोई नहीं कर पाया। वो सिर्फ विराट को नीचे लेकर नहीं आई, बल्कि उसने विराट के नाम पर लगे सारे दाग हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिए। उसने विराट को होली सेलिब्रेशन का हिस्सा बनाया, बल्कि आज अभी हम सबके सामने खुद ब खुद एक्सेप्ट कर लिया कि गुजिया में उसी ने पुड़िया मिलाई थी। तो ये कोई चालबाज या झूठा इंसान तो नहीं कर सकता ना? फिर शुरू हो गई तुम्हारी सही चालीसा।
मैं यही सोच रही थी कि इस घर में अब मोहित के बाद किसका नंबर है जिसे सही मैनिपुलेट करेगी। इस घर में अब फिर से टीम सही बनती जा रही है। पत्र लिखा, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो किसी लॉलीपॉप या चॉकलेट की वजह से किसी की तरफ चला जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे भाई के लिए सही ने जो कुछ भी किया है ना, वो हम सबकी नजरों के सामने है। और वो भाई कौन है? मैं तो नहीं हूँ। और इस लड़की ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है वो मैंने तो नहीं कहा था करने के लिए। मैं अपने लिए इसकी तरफ से या यहाँ पर खड़े किसी की भी तरफ से कुछ नहीं चाहता, कोई एफर्ट्स नहीं चाहता। शिवा, होली का त्योहार बीती बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत करने के लिए जाना जाता है, और तुमने भी भले ही भांग के नशे में ही सही, लेकिन अपनी बीती बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत की थी। मेरे भाई, तेरा हम सबके साथ एक जुड़ाव था, तो तू उस जुड़ाव को कायम क्यों नहीं रखना चाहता है? अपने मन से ये कड़वाहट को मिटाना क्यों नहीं चाहता मेरे भाई? मजाक है क्या ये सब तेरे लिए? नहीं विराट सर, ये हम में से किसी के लिए भी मजाक नहीं है। आज हम सब ने आपका वो रूप देखा जिसे आप अपने अंदर दबा के जी रहे हैं। आज हमने प्यार बांटने वाले, खुशियां बांटने वाले विराट सर को देखा, और अब तो आपके नाम पर, आपकी रेपुटेशन पर जो दाग लगाए वो भी मिट चुका है, और अब तो बहुत जल्द न्यूज में भी ये बात छप जाएगी। आपको क्लीन चिट मिल जाएगी, फिर पूरी दुनिया आपको उसी नजर से देखेगी जिस नजर से पहले देखती थी, एक हीरो की तरह। कम से कम इस खुशी के मौके पर मुझे और बाकी परिवार वालों को एक मौका नहीं दे सकते? हम सबको माफ कर दीजिए प्लीज। किसी के मर जाने के बाद उसके बारे में उसका परिवार अखबारों में कितनी ही अच्छी बातें क्यों ना छपवा दे, वो मरा हुआ इंसान फिर से जिंदा तो नहीं हो जाता ना? विराट, जिस विराट को आप जानती हैं ये परिवार जानता था, मर चुका है। अब लौट के वापस नहीं आएगा। आप लोग एक लाश के साथ अपने रिश्ते बनाने में लगे हुए हैं। ये सच आप जितना जल्दी जान लें, मान लें, वो बेहतर होगा कि जो विराट आप जानते थे, जिसको आप जानते थे, वो वापस लौट कर नहीं आने वाला है। इनफैक्ट एक तरीका है मेरे पास आप सबको ये बात समझाने का। क्या कर रहे हो विराट सर? मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए, लेकिन प्लीज कुछ गलत करने के बारे में सोचिएगा। मैं बुजदिल नहीं हूँ, सो रिलैक्स। सही, तुम भगवान के लिए विराट को छोड़ दो। आपने ये जो जिम्मेदारी ली है ना बाकी दीदी, मुझे मेरे पति से दूर रखने की, वो छोड़ दीजिए। आप एक पत्नी को उसके पति से दूर नहीं रख सकती, क्योंकि वो मुमकिन ही नहीं है। इसलिए प्लीज ये कोशिश करना बंद कर दीजिए, और आप मुझसे और मेरे पति से जितना दूर रहेंगी उतना आपके लिए अच्छा है। वरना? वरना क्या? वरना इस बार ना मैं बोलूंगी नहीं, करके दिखाओ, चाहे तो आजमा लीजिए। मैं डर गई सच में। ए जंगली मुलगी, तू पत्र लिखा को धमकी दे रही है? धमकी नहीं दे रही काकू, चेतावनी दे रही हूँ। और ये बात तो आप भी अच्छी तरीके से जानती है काकू, कि मैं अपने पति के साथ रहने के लिए क्या क्या कर सकती हूँ। पत्र लिखा, जाने दो उसे।
न जाने विराट अब क्या करने वाला है।